हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी स्टूडेंट्स। माय नेम इज कैलाश तिवारी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्विकली एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जो कि बहुत एक अच्छा एग्जामिनेशन है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस से है, चाहे कॉमर्स से है, चाहे आर्ट से है, इवन एग्रीकल्चर से है, तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस है या फिर स्पेसिफिक स्ट्रीम है। आईटी से है, फाइनेंस से है, तो स्पेसिफिक वैकेंसीज है, आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट ब्रांच है वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एग्जाम बहुत अच्छा है। सैलरी स्टार्टिंग में ही 1 लाख प्लस होती है, और अभी क्योंकि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है तो ये सैलरी और इंक्रीज होने वाली है। सो दोस्तों, कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है और फिर कर गुजरने की जरूरत है। क्या कर गुजरना है? नाबार्ड 2024 की प्रिपरेशन। हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फेज 1 फेज 2 दोनों को कैसे साथ में लेके चलेंगे ये हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो कुछ कुछ चीजें हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही दी थी कि लगभग 21 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर सब स्पेसिफिक स्ट्रीम है तो फिर उसमें स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 2022 में वैकेंसीज थी, यहाँ पे जनरल की वैकेंसीज थी, देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो जिनका बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उनके लिए अपॉर्चुनिटी। फिशरीज मतलब ग्रेजुएशन इन फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट साइंस, फाइनेंस, कंप्यूटर आईटी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेज यहाँ पे अलाइड कोर्सेज दिए हुए हैं। सिमिलरली इस साल के नोटिफिकेशन देखिए, इस बार एग्रीकल्चर स्पेसिफिक नहीं थी बट जनरल में थी, आईटी में थी, फाइनेंस में। आईटी में देखिए 40 वैकेंसीज, तो जो जितने भी आईटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो लगभग सारे ही डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में वैकेंसीज आती है। अगर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है तो फिर आप जनरल में एलिजिबल होते हैं। फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैट्स, मास कम्युनिकेशन, तो ये बहुत अच्छी एक जॉब है सभी स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आपको हेल्प करता है और साथ ही साथ एक अच्छा फ्यूचर आपको मिलता है। समझने की जरूरत क्या है और जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट किया जाता है। नोटिफिकेशन कब आएगा ये क्वेश्चन रहेगा। ये आपको हजारों वीडियो भी मिलेंगी, इस पे शॉर्ट्स भी मिलेंगे, बट कोई बता नहीं पाएगा क्योंकि ये जिस दिन आएगा उसी दिन आएगा। और एक चीज तो तय है, उस दिन के बाद फिर प्रिपरेशन हो नहीं पाती क्योंकि लगभग 50 डेज बाद प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाता है और फिर उसके लगभग 1 महीने बाद मेंस का एग्जामिनेशन हो पाता है। अभी क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट सब प्रोसेस है 2023 की, वो चल रही है, मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, इंटरव्यू होने हैं, तो अभी आपके पास एक सफिशियंट टाइम है और आप जनवरी में एंटर करने वाले हैं। तो लगभग हम कम से कम मान सकते हैं कि आपके पास 4 से 6 महीने तो है ही है, अप्रैल या अप्रैल के बाद ही ये नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। क्योंकि अभी जब ये प्रोसेस वाइंड अप होगी उसके बाद लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस खत्म हुई थी मार्च में और उसके बाद नोटिफिकेशन आया था सेप्टेम्बर में। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतना ही टाइम इस बार भी लगेगा, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट नोटिफिकेशन जनरली हर साल आता ही आता है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड, ये हमें हमेशा आपको हर बार दिखाता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन, अगर आप नाबार्ड को टारगेट करते हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। और नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे क्वांट्स आपकी थोड़ी कमजोर भी है तो भी चलेगा, और अगर नाबार्ड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो कोई दूसरा ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाए क्योंकि यहां पे 8 सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है। जब मैं कहता हूँ कि रिलेटिवली कम है मतलब रिलेटिव दूसरे एग्जाम्स के कंपैरिजन में। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, कंपटीशन तो है, वैकेंसीज भी तो कम है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपैरिजन में, यूपीएससी को तो खैर हम छोड़ ही देते हैं, आरबीआई को भी देखेंगे, वहां पे वैकेंसीज कम है बट नंबर ऑफ एप्लीकेशन इससे बहुत ज्यादा है। तो वहां पे पर सीट जो पर वैकेंसी जो वहाँ पे कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे रिलेटिवली कंपटीशन कम है और प्रिपरेशन आपको करनी है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, अभी देखिए हमने मैनुअल सर के साथ भी इंटरव्यू किया था तो उनका भी यही ओपिनियन था कि जो अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही मेंस तक या फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और जो मतलब इन नोटिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट करते हैं या कहीं ना कहीं बहुत डिले करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर वो जनरली आपको पता ही है, फिर यहाँ 45,000 से 2,800 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो कौन से स्टूडेंट होंगे आप समझ ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट समझने की बात क्या है और अभी जनवरी से ही क्यों स्टार्ट करना है, क्यों नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, उसका रीजन ये है। आप यहाँ पे देखेंगे 8 सब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूँ कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश क्योंकि ये सब क्वालिफाइंग है, ये आप एक टाइम के लिए कर भी लेंगे, बट जो ये टॉप सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और ए आर डी, इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या है, डायनेमिक कंटेंट भी है
और साथ ही साथ स्टैटिक कंटेंट भी, दोनों को प्रिपेयर करने में टाइम तो लगता ही है। और सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की बात नहीं है, यही सेम चीज आपके मेंस में पूछी जाने वाली है पेपर टू में, और वहां पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अभी आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि पीएमएबीवाई का जो प्रीमियम है वो रबी खरीफ के लिए क्या है, बट जब मैं उसको बोलूंगा कि आप लिख के बताइए तो डिस्क्रिप्टिव में हमें समझ नहीं आता कि किसका 1.5% है, किसका 2% है। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आपको तभी मिलती है जब आप बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन भी कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ना, सर यूपीएससी स्टूडेंट्स का ही सर ज्यादातर सिलेक्शन क्यों होता है? रीजन यही है, यूपीएससी स्टूडेंट का नहीं होता, उन स्टूडेंट्स का होता है जिनको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है या जिन्होंने प्रैक्टिस पहले से की है। तो ये समझने की बात है। तो हमने एक स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आया है, आप देखेंगे जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी से स्टार्टिंग में हम पहले पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहता है, डेली आपकी क्लासेस होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोर्स है वही अपने आप में सफिशिएंट है, वहां पे हर एक टॉपिक के लिए आप देखेंगे, एक तो जो सिलेबस ओरिएंटेड हमारा कंटेंट है, शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प, बहुत लेंदी लेंदी 100 पेजेस का कोई नोट्स नहीं है कि आप उसमें बुक बन जाए एक सिंगल नोट टॉपिक में ही। हर एक टॉपिक के लिए आपको शॉर्ट कोर्स वीडियो मिलती है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ एक टेस्ट मिलता है ताकि आपको पता चल पाए कि आपने वो टॉपिक कितना कवर कर चुका। सो इस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको खुद भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि आप रेगुलरली अगर टॉपिक फॉलो करते हैं तो आपकी सी चीजें कवर हो जाती है। चेकलिस्ट के रूप में भी आप उसको यूज कर सकते हैं कि कितना टॉपिक आपने कवर कर लिया है, कितना कवर करना बाकी है। साथ ही साथ अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। ईयर एंड भी है, नया साल है, नए साल में कुछ नई शुरुआत कीजिए या फिर अच्छे से शुरुआत कीजिए, जो भी आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंग, आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोर्स आप देख सकते हैं, आप डेमो चेक कीजिए और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब आपको फ्री मिल जाएंगे, जिनको परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये नाबार्ड की क्लैरिटी, या फिर नाबार्ड अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप टाइम से टारगेट करेंगे, सो दैट कि आपकी एक अच्छी पकड़ एग्जाम तक बन जाए। ऑल द वेरी